नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। आप में से बहुतों ने मुझे पढ़ा है, संभव है कुछ के लिए मैं नया हूं, तो यह अवसर स्वयं को आपसे परिचित कराने का है। इस समय देश और दुनिया के क्या हालात है आप सभी जानते हैं। कोरोना महामारी ने सारे देश को लॉकडाउन की स्थिति में ला दिया है। परिस्थिति कोई भी हो, उसे सकारात्मकता से लेना चाहिए, अवसर बना लेना चाहिए। थोड़ी सी साफ सफाई, बार बार साबुन से हाथ धोना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग से हम स्वयं को, अपने परिजनों को और समाज को इस महामारी के प्रकोप से बचा सकते हैं। मित्रों, घर में रहें, समय को अच्छे से व्यतीत करने के लिए पुस्तकों को अपना दोस्त बनाएं। मैं साहित्य के साथ आपको ले चलता हूं किताबों की अनूठी दुनिया में। आपके लिए अपनी चर्चित पुस्तक श्रृंखला साक्षी है समय, जो कि एक उपन्यास है, से एक अंश को लेकर प्रस्तुत हूं। यह कृति यश पब्लिकेशंस नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई थी। उपन्यास में मैंने अश्वत्थामा के माध्यम से महाभारत युग से लेकर वर्तमान तक का संपूर्ण भारत का इतिहास उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया है। यह अंश सुने। दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास के छात्र छात्राओं का बुरहानपुर और आसपास के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का यह शैक्षणिक दौरा था। छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण किसी प्राध्यापिका को ही दौरे पर भेजा जाना था। कुमुद की अनिक्षा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि प्राध्यापक को साथ भेजना नियमानुसार संभव नहीं था। कुमुद चाहती तो बहुत आसानी से अपने विद्यार्थियों को टाल सकती थी। शायद इस किले में अश्वत्थामा से जुड़ी कहानियों ने उसे भी प्रभावित किया था। कुमुद को लगा था कि अनुभव करने में कोई हर्ष नहीं। वह केवल इस बात का सत्यापन चाहती थी कि क्या शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े मिलने की घटना में कोई सच्चाई है। जब विद्यार्थियों ने कैंप फायर की योजना सामने रखी, तो उसने इसे थोड़े बहुत हिचक प्रदर्शन के साथ स्वीकार कर लिया। अंशिका की तलाश के लिए सभी एक साथ ही निकले, जिससे आपस में सुरक्षा का एहसास भी रहे। उसकी घुटी घुटी चीखों की आवाजें एक दो बार सुनाई पड़ी थी। सर्च लाइटों को अलग अलग दिशा में घुमाकर गतिविधियों का अंदाजा लेते हुए सभी आगे बढ़ रहे थे। अचानक अंशिका के चीखने की तेज आवाज सुनाई पड़ी, सब उस दिशा की ओर बढ़ चले। सर्च लाइट बंद करो, वहां कुछ हलचल है। विभाष ने एक दिशा की ओर इशारा किया। वहां झाड़ियों के सामान्य से अधिक हिलने डुलने ने अंशिका की तलाश में तिनके का सहारा दिया। अंशिका को वही ले गए होंगे। लाइट या टॉर्च की रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे तो उनको संदेह होगा। सब साथ चलते हैं, लेकिन बिना आहट किए। अभिनव को विभाष की सूचना ठीक लग रही थी। लड़कों के पास हथियार हुए तो, कुमुद ने आशंका व्यक्त की। हथियार तो होंगे ही, लेकिन अपने साथी को उसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता है। विभाष स्पष्ट था कि उसे क्या करना है। निश्चय ही वे शातिर अपराधी किस्म के लोग होंगे, जो एक लड़की को उठाकर ले जाने जैसा कृत्य कर सकते हैं। अंशिका को छह लड़कों से घिरा देखकर सभी सिहर गए। इससे पहले कि वे कुछ निर्णय ले पाते, अचानक जैसे अंधकार गहरा हो गया। रात्रि के इस पहर भी चीख चीख कर पक्षी आगाह करने लगे। सामने सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ने लगा। एकाएक भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, मैं अश्वत्थामा। इसके साथ ही सब कुछ शांत सा हो गया। अभिनव ने आवाज वाली दिशा में सर्च लाइट डाली और लगभग सभी चीख उठे थे। 6.5 फुट से अधिक की ऊंचाई का बलवान और आकर्षक व्यक्तित्व, लेकिन पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ। सर के ठीक बीचों बीच एक गहरा जख्म, जैसे वहां से मांस का हिस्सा खींच कर बाहर निकाल दिया गया है। हाथ पैर छाती चेहरा, शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पके रिश्ते घाव न हो। अविश्वास का कोई कारण नहीं, यह अश्वत्थामा ही है। बिल्कुल वैसा ही जैसा होने की कहानियां कहीं सुनाई जाती है। सभी ने स्वतः प्रेरणा से अश्वत्थामा के सामने हाथ जोड़ लिए थे। अंशिका जमीन में सर गड़ाए फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी मनह वेदना को समझना कठिन नहीं था। पिछले आधे घंटे वह जिस भयावह घटना का शिकार हुई थी, उसे संभवतः जीवन भर नहीं भुला सकेगी। वह अपने साथ हुई घटना को बहुत मनोयोग से पीछे धकेलने की कोशिश में लगी हुई थी, और यह महसूस करते हुए अभिभूत थी कि उसका रक्षक कोई और नहीं अपितु स्वयं अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को इन विद्यार्थियों से सहानुभूति क्यों हो गई थी? क्या अश्वत्थामा ने स्वयं को इसलिए प्रकट किया कि उनकी अभिरुचि उस चर्चा में हो गई थी जो विद्यार्थियों के बीच चल रही थी, अथवा इसलिए
कि जो कुछ अंशिका के साथ घटित हो रहा था उसे अपने सामने देखते हुए वे वैसी ही चुप्पी नहीं ओढ़े रखना चाहते थे जैसा कि दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण किए जाने के समय उनकी बाध्यता थी। तेल मिलेगा? अश्वत्थामा ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़ी प्राध्यापिका से पूछा, स्वर ऐसा जैसे कोई पाषाण स्वयं बोल रहा हो। हाँ हाँ है हमारे पास। कुमुद की आंखों में आंसू थे और स्वर में भावुकता। मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा पढ़ा गया यह पुस्तक अंश अवश्य पसंद आया होगा। तो बने रहें साहित्य के साथ। इसी जगह ऐसी ही किसी किताब के साथ मेरा ही कोई साथी, कोई लेखक मित्र आपसे शीघ्र मुखातिब होगा, क्योंकि किताबों से बेहतर कोई और साथी नहीं।